नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटरनेट वाला पढ़ाई ऑनलाइन स्कूल में। फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में ग्राम को किलोग्राम में बदलना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे 650 ग्राम दिया है, इसको किलोग्राम में बदल देना है, यानी केजी में बदल देना है। तो कैसे बदलेंगे? तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि एक केजी में कितना ग्राम होता है? तो 1000 ग्राम होता है। कितना ग्राम? 1000 ग्राम। यहाँ पे कितना, सवाल में कितना दिया गया है? तो सवाल में 600 ग्राम दिया गया है। कितना? 650 ग्राम, सॉरी, 650 ग्राम दिया है। कितना ग्राम दिया है? इसको जब किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे। कितना से भाग देंगे? 1000 ग्राम से। तो यहाँ पे 1000 ग्राम से जब भाग दिया जाएगा ग्राम से, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, यहाँ 100 बचा, यहाँ 65। यानी फ्रेंड्स, इसको कटाएंगे तो थोड़ा ये लेंदी हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो यहाँ 2 जीरो है, तो हम लोग सीधा दो दो अंक के बाद दशमलव दे देंगे। यानी 65 जो है, 65 इसके पहले दशमलव दे देंगे, तो ये अब कितना हो गया? यानी 0.65 केजी अब 1 किलोग्राम में हो गया। यहाँ हम लोग कटाते तो ये 5 से कटता, ये भी 5 से कटता, लेकिन क्या होता? लेंदी हो जाता। इससे अच्छा क्या, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव कर देंगे और ये वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? 300 ग्राम। तो 300 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। यहाँ पे 300 लिख देंगे, जितना है उतना लिख देंगे। इसको जब भी किलोग्राम में बदलना हो तो किलोग्राम से ही भाग दिया जाता है, यानी 1000 से भाग दिया जाएगा। तो यहाँ 3 जीरो से, सॉरी, 3 जीरो नहीं, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। यहाँ पे 10 बचा, यहाँ पे 3, यानी 3/10। कितना? 3/10, मतलब कि 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, यानी कि 0.3 किलोग्राम। यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।